My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, पिछली कक्षा में हम सभी लोगों ने ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज अर्थात मानवाधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या जिसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो उन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, देखा था, उसका अभ्यास किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए फिर से कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप के प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि बेस्ड हैं ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज पे अर्थात मानवाधिकार एवं कर्तव्य से। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। जो जीएस जीके का एग्जाम होता है, जो पेपर होता है प्रिय विद्यार्थियों, जीएस या जीके वाला, उसमें भी प्रश्न आ सकते हैं। या फिर यदि मानवाधिकार एवं कर्तव्य से रिलेटेड कोई पेपर है या कोई प्रोग्राम है, तो उस पेपर या उस प्रोग्राम में भी इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, चलिए हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो बेस्ड होंगे ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज पे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि पिछले क्लास में, पिछली कक्षा में, पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने 30 प्रश्नों का अभ्यास किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30 का प्रैक्टिस, उसके बारे में अभ्यास हम लोग पिछली कक्षा में कर चुके हैं। उसी सीरीज को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में, इस कक्षा में हम सभी लोग 35 प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आज का पहला प्रश्न होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। परंतु क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके कोर्स से रिलेटेड, आपकी तैयारी में सहायक जितने भी नए वीडियोज आए या जितनी भी नई क्लासेस हों, उन वीडियोज को, उन क्लासेस को आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, जहां पर सब्सक्राइब लिखा होता है उसके बगल में एक बेल का आइकन, घंटी का आकार होता है, तो वह लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। और उसको प्रेस करने पर, दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज या नई क्लासेज आएंगी, उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास छूटेगी नहीं प्रिय विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से हम आपके लिए, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक भी करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में, फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर भी करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और साथ ही साथ उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है, तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे, वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, उन सुझावों पर, उन वैल्यूएबल सजेशंस पर अनुपालन करने का भी हम प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आप जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के उपरांत आप बेल के आइकन को भी प्रेस करिए, कमेंट्स करिए वीडियो पे और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, मित्रों में, सहपाठियों के साथ शेयर भी करिए।
चलिए दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न संख्या 31 से प्रिय विद्यार्थियों, की संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज के लिए जो पहला प्रश्न है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पूर्व आप सभी लोगों से एक आग्रह है कि यदि आप लाइव क्लास के दौरान जुड़े हुए हैं तो आप जो है एक पेन और पेपर ले लीजिए, और साथ ही साथ जो भी आपके प्रश्नों के उत्तर होंगे उनको आप चैट बॉक्स में टाइप करिए चैट के द्वारा, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि आपका उत्तर सही है या गलत है, आपकी तैयारी किस स्थिति की है। तो आप चैट का प्रयोग करिए यदि आप लाइव क्लास के दौरान हैं, और साथ ही साथ आप जो है इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर दे रहे हैं, आपके उत्तर सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, उसको आप एक पेन और पेपर ले लीजिए, पेपर पे नोट करते चलिए, और वीडियो के लास्ट में, कक्षा के लास्ट में, क्लास के लास्ट में आप चैट के द्वारा या कमेंट्स के द्वारा हमें यह बताइए कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाए, जिससे हमें भी यह पता चल सके कि आपकी तैयारी किस स्थिति में है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज के लिए है क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न संख्या 31 कहता है कि संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। और प्रिय विद्यार्थियों, इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए अनुच्छेद 14 से 18 तक, बी अनुच्छेद 19 से 22 तक, सी अनुच्छेद 23 से 28 तक, या डी अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि आप सभी लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही सरल प्रश्न होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का उत्तर सही होगा। आप जल्दी से अपने आंसर को, उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार का संबंध प्रिय विद्यार्थियों किससे होता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 नहीं है, 19 से 22 भी नहीं है, अनुच्छेद 23 से 28 भी नहीं है। तो इस तरह से ये तीनों आंसर गलत हैं। जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 29 से 30, यही उत्तर सही है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर डी है, या जिन लोगों ने आंसर अनुच्छेद 29 से 30 दिया है, तो अनुच्छेद 29 से 30 तक का जो आंसर है, उत्तर है, वो सही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 32। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान में दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसके विकल्पों को देखते हैं हम लोग। इसके ऑप्शन हैं, पहला राइट टू स्पीक या अभिव्यक्त का अधिकार, द सेकेंड वन इज राइट टू लाइफ या जीने का अधिकार, थर्ड वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या विचरण करने का अधिकार, अर्थात कहीं भी देश में आने जाने का अधिकार, और डी है राइट टू ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित करने का अधिकार, दैट इज राइट टू ऑर्गेनाइज। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, ये बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, अर्थात जब आपातकाल लागू होती है देश में, तो उस समय किस अधिकार को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रिय विद्यार्थियों, तो उसमें से क्या होगा उत्तर, जल्दी से आप चैट बॉक्स में टाइप करें। वेरी गुड। व्यवस्थित करने का अधिकार जो है, राइट टू ऑर्गेनाइज, इसको किया जा सकता है। विचरण करने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसको भी किया जा सकता है। और अभिव्यक्त का अधिकार जो, राइट टू स्पीक, इसको भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो राइट टू लाइफ है या जीने का अधिकार है, यह एक ऐसा अधिकार है जिसको आपातकाल में भी सरकार के द्वारा जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। राइट टू लाइफ या जीने का अधिकार जो है, वह एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसा मौलिक अधिकार है, जिसको कि आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का संबंध हमारे संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं, वो किस आर्टिकल से है। और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए अनुच्छेद 14 से 18,
बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24 या डी अनुच्छेद 23 से 25। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जो शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, यह जो है इसका संबंध किससे है, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, अनुच्छेद 14 से 18 नहीं है, अनुच्छेद 23 से 25 भी नहीं है, अनुच्छेद 19 से 22 भी नहीं है। क्या है प्रिय विद्यार्थी, अनुच्छेद 23 से 24 जो है इसी का संबंध शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। तो प्रिय विद्यार्थी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो किससे है, अनुच्छेद 23 से 24 तक। तो इस तरह से आप सभी प्यारे भाई बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से, जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर आर्टिकल 23 to 24 है या अनुच्छेद 23 से 24 तक है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 23 से 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। चल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासियों के कल्याण, दैट इज ट्राइबल वेलफेयर से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थी, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासियों के कल्याण, दैट इज ट्राइबल वेलफेयर से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, और इसकी जो ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, ए 5th शेड्यूल या 5वीं अनुसूची, बी 6th शेड्यूल या 6वीं अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची दैट इज 7th शेड्यूल या डी 8वीं अनुसूची या 8th शेड्यूल। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका सही उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासियों के कल्याण या ट्राइबल वेलफेयर से संबंधित है प्रिय विद्यार्थियों, तो क्या होगा, 8th शेड्यूल नहीं है, 7th नहीं है, 6th नहीं, कौन सी है, 5वीं अनुसूची है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर 5th शेड्यूल या 5वीं अनुसूची है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही है। जो हमारे भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल है, यह जो है आदिवासियों के कल्याण या ट्राइबल वेलफेयर से संबंधित है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आपके स्क्रीन पर आएगा अगला प्रश्न, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, और वो जो क्वेश्चन नंबर 35 होगा, प्रश्न संख्या 35 होगा, वह भी जनजातियों से रिलेटेड है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 35, कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजात क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 34 था, उसमें था कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासियों के कल्याण से संबंधित है, और प्रश्न संख्या 35 है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजात क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए 9th शेड्यूल या 9वीं अनुसूची, बी 6th शेड्यूल या 6वीं अनुसूची, सी 7th शेड्यूल या 7वीं अनुसूची और डी है 8th शेड्यूल या 8वीं अनुसूची। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों, 9th शेड्यूल नहीं है, 8th शेड्यूल भी नहीं है, 7th भी नहीं, क्या है, 6वीं अनुसूची है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर बी है, या जिन लोगों का आंसर 6वीं अनुसूची या 6th शेड्यूल है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची या 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजात क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। चल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग नाम सुने हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, दैट इज कंकरेंट लिस्ट की। तो प्रश्न यहां पर है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं, और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए 9th शेड्यूल, बी 10th शेड्यूल, सी 7th शेड्यूल या डी 8th शेड्यूल। ए है 9वीं अनुसूची, ब है 10वीं अनुसूची, स है 7वीं अनुसूची या द है 8वीं अनुसूची। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या है प्रिय विद्यार्थियों इसका सही उत्तर,
इसका सही उत्तर 9th शेड्यूल नहीं है, 10th नहीं है, 8th नहीं है, क्या है? 7th शेड्यूल है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से, प्यारे मित्रों में से, जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। जो 7th शेड्यूल है या 7वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, दैट इज संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चले प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न संख्या 37 कहता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। तो प्रिय विद्यार्थियों यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकांशतः कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए 9th शेड्यूल या 9वीं अनुसूची, बी 10th शेड्यूल या 10वीं अनुसूची, सी 11th शेड्यूल या 11वीं अनुसूची, डी 8th शेड्यूल या 8वीं अनुसूची। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जल्दी से अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर? 9वीं अनुसूची नहीं है, 10th शेड्यूल नहीं है, 11th शेड्यूल नहीं है, किस क्या है? 8th शेड्यूल है। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई बहनों में से, प्यारे साथियों में से, जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर 8th शेड्यूल या 8वीं अनुसूची है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38 है। प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। प्रश्न है कि मानवाधिकार है तो मानवाधिकार क्या होता है, यहीं से प्रश्न है। और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए जो मानवाधिकार है राज्य द्वारा दिए गए अधिकार है, ए बी कह रहा है कि मानवाधिकार जो है वो संविधान में प्रदत्त अधिकार है, सी कह रहा है कि मानवाधिकार जो है न्यूनतम वे अधिकार हैं जो मनुष्य को मानवीय गुण होने के कारण मिलते हैं, और डी कह रहा है कि स्टेटस के आधार पर प्राप्त अधिकार जो है वो मानवाधिकार हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए, और जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन लग रहा हो, उपयुक्त विकल्प हो, अप्रोप्रिएट ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, उसी को आप उत्तर के रूप में दीजिए। तो मानवाधिकार क्या है प्रिय विद्यार्थियों? इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? राज्य द्वारा दिए गए अधिकार नहीं है, संविधान में प्रदत्त अधिकार भी नहीं है, स्टेटस के आधार पर प्राप्त अधिकार भी नहीं। जो सबसे उपयुक्त उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों, सी हमको लगता है कि न्यूनतम वे अधिकार जो मनुष्य को मानवीय गुण होने के कारण मिलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से जो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है, जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है या जिन लोगों का आंसर स है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो न्यूनतम वे अधिकार जो मनुष्य को मानवीय गुण होने के कारण प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उन अधिकारों को हम लोग मानवाधिकार कहते हैं या ह्यूमन राइट्स कहते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39। प्रश्न संख्या 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग को किस सूची के मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार है। प्रिय विद्यार्थियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन सरल प्रश्न है, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए संघ सूची एवं समवर्ती सूची, बी राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, सी राज्य सूची एवं संघ सूची, या डी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए कि राज्य जो है मानवाधिकार आयोग, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, वह किस सूची के मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार रखता है या किस सूची के मामलों पर सुनवाई कर सकता है। और इसके जो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, इसमें से सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है, जो सबसे उपयुक्त उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों है, उसको आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों पर तो नहीं कर सकता, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राज्य सूची और संघ सूची, राज्य सूची पे तो कर सकता है लेकिन संघ सूची पे नहीं कर सकता, तो यह भी गलत है। यहाँ भी संघ सूची है तो यह भी गलत है। समवर्ती सूची पे की जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों चूंकि समवर्ती सूची वे सूची है जिस पर कि संघ और राज्य दोनों का अधिकार होता है, तो समवर्ती सूची पे किया जा सकता है और राज्य सूची पर भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन इज द अप्रोप्रिएट आंसर, जो बी ऑप्शन है वो सबसे उपयुक्त विकल्प है प्रिय विद्यार्थियों।
तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो राज्य सूची और उसी के साथ साथ समवर्ती सूची के मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार रखता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के मामलों पर राज्य मानवाधिकार आयोग जो है सुनवाई कर सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही सरल प्रश्न लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न है कि मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों, जो मानवाधिकार संगठन है या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है प्रिय विद्यार्थियों, और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए भारत, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क या डी लंदन। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। मानवाधिकार संगठन का जो मुख्यालय है प्रिय विद्यार्थियों कहाँ पर है, वो लंदन में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, जिनेवा में नहीं, कहाँ है वो, भारत में या इंडिया में है। हमारे देश में प्रिय विद्यार्थियों मानवाधिकार संगठन का जो मुख्यालय है हमारे देश में है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर इंडिया है या ए है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। हमारे देश भारत में मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 41 कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी कहते हैं या UNHRC भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स UNHRC की स्थापना कब हुई थी, और इसके जो ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, ए 2007, बी 2006, सी 2009 या डी 2010। जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा, जो UNHRC है या यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है प्रिय विद्यार्थियों, इसकी स्थापना 2010 में नहीं हुई, 9 में नहीं हुई, 7 में नहीं हुई, कब हुई थी, 2006 में हुई थी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी आंसर दिया है, जिन लोगों का उत्तर बी है या जिन लोगों ने 2006 आंसर दिया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद दैट इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC की स्थापना 2006 में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42 और वह भी UNHRC से ही संबंधित है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद दैट इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल दैट इज UNHRC का वर्तमान प्रमुख या प्रेसिडेंट कौन है प्रिय विद्यार्थियों, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए एलिजाबेथ टीको, बी एलिजाबेथ टिकी फिसलबर्गर, सी एलिजाबेथ डैनियल या डी एलिजाबेथ टैसिड्स टिकी फिसलबर्गर। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है प्रिय विद्यार्थियों, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स है, इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट या अध्यक्ष हैं प्रिय विद्यार्थियों कौन है, यही प्रश्न है। तो कौन है प्रिय विद्यार्थियों, एलिजाबेथ टीको ये राइट ऑप्शन नहीं है, एलिजाबेथ टेस्टिस टिकी ये भी नहीं है, एलिजाबेथ डेनियल भी नहीं, क्या है, एलिजाबेथ टिकी फिसलबर्गर जो ये ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एलिजाबेथ टिकी फिसलबर्गर जो है वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के वर्तमान प्रमुख हैं प्रिय विद्यार्थियों। एलिजाबेथ टिकी फिसलबर्गर द प्रेसिडेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वो 14 साइकिल जो है प्रिय विद्यार्थियों, जो 14 साइकिल है 2020 की, इस साइकिल में जो है जो प्रेसिडेंट हैं UNHRC के, वो कौन है, एलिजाबेथ टिकी फिसलबर्गर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना होगा, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्रिय विद्यार्थियों बी आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। एलिजाबेथ टिकी फिसलबर्गर जो ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, यह ऑप्शन सही है, यह विकल्प सही है। एलिजाबेथ टिकी फिसलबर्गर जो है, जो 14 साइकिल है 2020 की, इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के
वर्तमान प्रमुख या प्रेसिडेंट हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत सरल प्रश्न लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न है कि प्राचीन भारत में अहिंसा के मार्ग को किस शासक ने राजनीति में अपनाया था, और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए हर्ष, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त या पुलकेशिन, सेकेंड है डी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, आप सभी लोग इन सभी लोगों का नाम सुने होंगे। प्रश्न है कि प्राचीन भारत में अहिंसा के मार्ग को किस शासक ने राजनीति में अपनाया, तो इसका जो सही उत्तर इसको आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या है? पुलकेशिन सेकेंड नहीं है, चंद्रगुप्त भी नहीं है, हर्ष भी नहीं है, कौन है? अशोक जी जो है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो जो अशोक जी हैं वही जो है इसका राइट ऑप्शन है। प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारत में अहिंसा के मार्ग को अशोक जी ने अपनाया था। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई बहनों में से, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों में से, जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों के आंसर अशोक है, बी है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्राचीन भारत में अहिंसा के मार्ग को अशोक जी ने राजनीति में अपनाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 44, कि ऑपरेशन उडरोज कहाँ चलाया गया। प्रिय विद्यार्थियों, जो ऑपरेशन उडरोज है यह कहाँ चलाया गया था, और इसके ऑप्शन जो है प्रिय विद्यार्थियों वो आपकी स्क्रीन पर है, ए पंजाब, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी कर्नाटक। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, कहाँ चलाया गया था? जो ऑपरेशन उडरोज है प्रिय विद्यार्थियों, कर्नाटक में नहीं चला, उत्तर प्रदेश में भी नहीं चला, गुजरात में भी नहीं चला, कहाँ चला है? पंजाब में चला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने आंसर ए दिया है, जिन लोगों का आंसर ए या पंजाब है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45, कि भारत के किस राज्य में उल्फा समूह कार्यरत है। प्रिय विद्यार्थियों, जो उल्फा समूह है इसका आप सभी लोगों ने नाम न्यूज में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, इस नाम को आप अवश्य सुने होंगे। तो प्रश्न वहीं से है कि जो उल्फा समूह है प्रिय विद्यार्थियों, उल्फा ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो उल्फा ऑर्गेनाइजेशन या उल्फा समूह कहां पर कार्यरत है या किस राज्य में है, और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए तमिलनाडु, बी जम्मू कश्मीर, सी असम या डी पंजाब। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। भारत के किस राज्य में उल्फा समूह कार्यरत है प्रिय विद्यार्थियों, तो कहाँ है वो? तमिलनाडु नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं, पंजाब नहीं, कहाँ है? असम में है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से, जिन लोगों का आंसर सी है या स है या असम है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्रिय विद्यार्थियों, जो असम में जो उल्फा है, उल्फा का पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नाम से ही क्लियर प्रिय विद्यार्थियों, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यह जो है असम में सक्रिय एक आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है। ध्यान दीजिए, उल्फा क्या है? एक आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है, और जिसका नाम, पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 46, कि भारत के किस राज्य में MCC समूह कार्यरत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग पिछले प्रश्न में जो है उल्फा समूह के बारे में बात की, आतंकवादी और उग्रवादी संगठन के बारे में बात की जो कि असम में कार्यरत है, इसी प्रकार से जो 46 प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें कहा जा रहा है कि MCC समूह कहां पर कार्यरत है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए तमिलनाडु, बी झारखंड, सी बिहार या डी बिहार और झारखंड। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स टाइप करिए। वेरी गुड, क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? तमिलनाडु में तो नहीं है, लेकिन झारखंड में है, बिहार में भी है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों वो सही है। आप सभी लोगों से, जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। बिहार और झारखंड में MCC ग्रुप है, और जिसका पूरा नाम है प्रिय विद्यार्थियों, MCC का मायुस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग मायुस्ट या कम्युनिस्ट का नाम सुने होंगे, तो मायुस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया जो MCC समूह है वो बिहार और झारखंड में कार्यरत है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कि भारत के किस राज्य में JKLF समूह कार्यरत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश के किस राज्य में JKLF समूह कार्यरत है, यही प्रश्न है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर,
ए जयपुर, बी झारखंड, सी जम्मू कश्मीर या डी बिहार और झारखंड। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए, जो भी आपका उत्तर है, जो भी आपका आंसर, उसको चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए। क्या होगा जो JKLF समूह है प्रिय विद्यार्थियों कहाँ पे कार्यरत है, तो इसका जो ए ऑप्शन है जयपुर वो गलत है। प्रिय विद्यार्थियों जो बी ऑप्शन है झारखंड ये भी गलत है, डी भी बिहार और झारखंड भी गलत। क्या होगा जो हमारा ऑप्शन सी बच्चा, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। जम्मू कश्मीर में JKLF जिसका पूरा नाम है प्रिय विद्यार्थियों जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है वो कार्यरत है और यह एक अलगाववादी संगठन है। ध्यान दीजिए JKLF दैट इज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट क्या है, एक अलगाववादी संगठन है जो अलगाव चाह रही है, देश का विभाजन चाह रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 48 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रश्न संख्या में थोड़ा सा झाम है। वो क्या है कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 47 ही दिया गया, तो कोई बात नहीं, हमको प्रश्न से मतलब है। तो प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में PWG समूह कार्यरत है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो भारत के किस राज्य में PWG समूह कार्यरत है यह प्रश्न है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो PWG समूह है प्रिय विद्यार्थियों कहाँ पे सेवा कार्यरत है, तो जो PWG समूह जो है प्रिय विद्यार्थियों वह जो है हमारे पश्चिम बंगाल में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। प्रिय विद्यार्थियों जो PWG समूह है उसको हम लोग पीपुल्स वार ग्रुप भी कहते हैं और यह हमारे देश के आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यरत है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम सभी लोग जो है क्वेश्चन नंबर 47B भी कर सकते हैं, और इसके पूर्व में जो प्रश्न था प्रिय विद्यार्थियों 47 उसको हम लोग 47A भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 47 में दो प्रश्न हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। बहुत सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूनिसेफ का पूरा नाम है। प्रिय विद्यार्थियों यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है यह प्रश्न है, और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, बी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, सी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड या डी यूनियन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। प्रिय विद्यार्थी यूनिसन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ये डी ऑप्शन है। तो इन सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे सही है प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के उत्तर सही होंगे, क्योंकि आप सभी लोग इसके बारे में पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों जो यूनिसेफ है इसका पूरा नाम क्या है, यूनिसन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड तो नहीं है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड भी नहीं है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ये हो सकता है, लेकिन अब क्या है ये इसका नाम हो गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है, क्योंकि यहाँ सभी विकल्पों में से जो ए विकल्प है वो सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड ही यूनिसेफ का पूरा नाम है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्रिय विद्यार्थियों इसके पहले जो है इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। प्रश्न संख्या 49 कहता है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। पहला है 11 दिसंबर 1948, दूसरा है 11 दिसंबर 1947, तीसरा है 21 दिसंबर 1946 या चौथा है 11 दिसंबर 1946। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो यूनिसेफ की स्थापना है प्रिय विद्यार्थियों वो कब हुई थी, वो 11 दिसंबर 1948 को नहीं हुई, 11 दिसंबर 1947 को भी नहीं हुई,
21 दिसंबर 1946 को भी नहीं हुई थी, कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, इस डेट को आप याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946, इसी डेट को, इसी तारीख को प्रिय विद्यार्थियों 11 दिसंबर 1946 को ही यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर डी है, जिन लोगों का आंसर 11 दिसंबर 1946 है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलिए दोस्तों, इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि ICEF का पूरा नाम है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे यूनिसेफ है उसी तरह ICEF है, ICEF की तर्ज पर यूनिसेफ बना, तो ICEF का पूरा नाम क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यही प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बी नेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, सी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, या डी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंट फंड। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो ICEF का पूरा नाम हो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंट फंड तो नहीं है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड भी नहीं है, नेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड भी नहीं, क्या है? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई बहनों में से, प्यारे साथियों में से, जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का उत्तर ए है, या जिन लोगों का आंसर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब, और आपकी स्क्रीन पर आज के लिए अगला प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 51, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकांशतः पूछा जाता है इसके बारे में, और वो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वह कहाँ स्थित है प्रिय विद्यार्थियों? और इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर, ए न्यूयॉर्क में स्थित है, बी पेरिस में स्थित है, सी वाशिंगटन में स्थित है, या डी बीजिंग में स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप जल्दी से इसका आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के उत्तर सही होंगे, क्योंकि आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर बीजिंग में नहीं है, वाशिंगटन नहीं है, पेरिस नहीं है, कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई बहनों में से, प्यारे साथियों में से, जिन लोगों ने ए विकल्प चुना है, जिन लोगों का आंसर न्यूयॉर्क है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 52 कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए 40वां संविधान संशोधन, बी 41वां संविधान संशोधन, सी 42वां संविधान संशोधन, या डी है 43वां संविधान संशोधन। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जल्दी से इसका उत्तर आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो मौलिक कर्तव्य हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं, वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, यही प्रश्न है। और इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है 40वां संविधान संशोधन तो गलत है, 41वां संविधान संशोधन भी गलत है, 43वां भी गलत है, कौन सा सही है? 42वां संविधान संशोधन जो है प्रिय विद्यार्थियों, जो 42nd संविधान संशोधन है, वही संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई बहनों में से, प्यारे साथियों में से, जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही है, या जिन लोगों ने 42nd संविधान संशोधन उत्तर दिया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस प्रश्न को हमेशा याद रखिएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय संविधान में कब जोड़े गए हैं, तो भारतीय संविधान प्रिय विद्यार्थियों, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, और प्रिय विद्यार्थियों, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 ईस्वी में
जुड़े गए हैं प्रिय विद्यार्थियों, मौलिक कर्तव्य को जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है उसको संविधान में जोड़ा गया है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। प्रश्न संख्या 53 कहता है कि वियना घोषणा पत्र की प्रमुख चिंताएं क्या हैं। प्रिय विद्यार्थियों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया प्रश्न भी हो सकता है कि वियना घोषणा पत्र की प्रमुख चिंताएं क्या थी, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ए विकास का अधिकार, बी मानवाधिकारों की अविभाज्यता, या सी मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता, या डी है उपयुक्त सभी अर्थात ऑल ऑफ द एबव। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो वियना घोषणा पत्र थी वो एक कांग्रेस के द्वारा की गई, तो इसकी प्रमुख चिंताएं जो थी उन प्रमुख चिंताओं में जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं उसमें से मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता नहीं है, मानवाधिकारों की अविभाज्यता भी नहीं, तो इस तरह से जो डी ऑप्शन ये भी गलत हो गया, तो बचा ए ऑप्शन, जो ए विकल्प है विकास का अधिकार, यही विकल्प जो है सबसे उचित विकल्प है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वियना घोषणा पत्र की जो प्रमुख चिंताएं थी उसमें जो है विकास का अधिकार था। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर ए है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 या प्रश्न संख्या 54 कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, और इसके जो ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर, ए कह रहा है कि सभी मानवाधिकार सभी के लिए हैं, बी है मानवाधिकार परस्पर निर्भर हैं लेकिन ये अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग होते हैं, डी है सी है कि वियना घोषणा पत्र में कांग्रेस ने UNHCHR अर्थात यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की सिफारिश की, और डी है कि राज्यों के सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके यहाँ कानून अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार माध्यमों के स्तर के अनुरूप हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस प्रकार से जितने भी विकल्प दिए गए हैं इन सभी विकल्पों में से सबसे इनएप्रोप्रिएट विकल्प क्या है, अर्थात सबसे गलत, सबसे जो कथन है उसमें कौन सा कथन जो है गलत है, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो कथन नंबर हमारा डी है यहाँ चलते हैं, डी कथन कह रहा है कि राज्यों को, प्रिय विद्यार्थियों, राज्यों के सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके यहाँ कानून के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार माध्यमों के स्तर के अनुरूप है, तो ये तो कथन सही है। सी कह रहा है कि वियना घोषणा पत्र में कांग्रेस ने UNHCHR दैट इज यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की सिफारिश की, यह भी सही है। ए है कि सभी मानवाधिकार सभी के लिए, यह भी सही है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन बचता है, और बी ऑप्शन कह रहा है कि मानवाधिकार परस्पर निर्भर हैं लेकिन ये अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग होते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है यह थोड़ा गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही इसलिए गलत हो गया, सी ऑप्शन से इसलिए भी गलत हो गया, डी ऑप्शन से इसलिए भी गलत हो गया, जो बी ऑप्शन है यह गलत है इसलिए यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं, मानवाधिकार परस्पर निर्भर हैं लेकिन ये अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है बल्कि क्या होता है सभी लोगों के लिए अलग अलग स्तर के लोगों के लिए समान होता है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 55। प्रश्न संख्या 55 कहता है कि मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है कि मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 20, बी 30, सी 40 या डी 50, अ है 20, बी है 30, स है 40 या डी है 50। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए, वेरी गुड, शाबाश, मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं, या हाउ मेनी आर्टिकल्स
आर देयर इन ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों कितने हैं, 50 नहीं है, 40 नहीं है, 20 नहीं, कितने हैं, 30 हैं, 30 हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। और इसका उत्तर जो है वो 30 है, 30 है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा में कुल जो है 30 अनुच्छेद या 30 आर्टिकल्स हैं। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 56, प्रश्न संख्या 56 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 51 क, और डी है अनुच्छेद 50 का। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, ये प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, अनुच्छेद 50 में तो नहीं रखा गया, अनुच्छेद 51 में भी नहीं रखा गया, अनुच्छेद 50 क में भी नहीं होगा। तो क्या बचा, अनुच्छेद 51 का बचा है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाइयों बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, दैट इज अनुच्छेद 51 क, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। आर्टिकल्स 51 ए या 51 क में जो है कि अनुसार ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में रखा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में रखा गया है। इस प्रकार से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 51 क, जो कि हमारे हमारा जो संविधान है उसके भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत इसको रखा गया। ध्यान दीजिए, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। तो प्रिय विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः पूछा जाता है। तो संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। याद रखिएगा भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क, 51 ए और भाग या पार्ट 4 ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57, प्रश्न संख्या 57 है, 57 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट इज UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अंगीकार किया था। प्रिय विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 10 दिसंबर 1945, बी 10 दिसंबर 1946, सी 10 दिसंबर 1947, या डी 10 दिसंबर 1948। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रिय विद्यार्थियों जो मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या UDHR कह रहे हैं, इसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रिय विद्यार्थियों कब अंगीकार किया, 10 दिसंबर 1948 को नहीं, 10 दिसंबर 1947 को भी नहीं किया था, 10 दिसंबर 1946 कब किया था, 10 दिसंबर 1945 को जो है संविधान के द्वारा जो है UDHR, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों की मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। तो प्रिय विद्यार्थियों जो मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा है या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, UDHR है, इसको जो है संविधान के द्वारा 10 दिसंबर 1945 को अंगीकार किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों 10 दिसंबर 1945 नहीं होगा, ये क्या होगा, 10 दिसंबर 1948 होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, 10 दिसंबर 1945 नहीं होगा, 10 दिसंबर 1948 होगा। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि जो UDHR है इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 10 दिसंबर 1945 नहीं, 10 दिसंबर 1946 नहीं, 10 दिसंबर 1947 नहीं, क्या है, 10 दिसंबर 1948 है। ध्यान दीजिए कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अंगीकार किया था। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर डी है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। जो डी ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948, यही वह डेट है, यही वह तिथि है जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अंगीकार किया था। तो ध्यान दीजिएगा
10 दिसंबर 1948 जो है यही सही उत्तर है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा है वो किस भाषा में प्रकाशित हुई थी, यह प्रश्न है। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं प्रिय विद्यार्थियों, ए है अंग्रेजी, बी है चीनी, सी है फ्रांसीसी या डी है ऑल ऑफ द अबव या उपर्युक्त सभी। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा है वो जो है वो किस भाषा में प्रकाशित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR जो है किस भाषा में पब्लिश हुई थी, किस भाषा में इसका पब्लिकेशन हुआ था, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ए अंग्रेजी, बी चीनी, सी फ्रांसीसी या डी ऑल ऑफ द अबव। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये UDHR जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंग्रेजी में भी पब्लिश की गई, चीनी में भी की गई, फ्रांसीसी में भी की गई। तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है प्रिय विद्यार्थियों, वो जो है अरेबिक में, चाइनीज में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, रशियन में तथा स्पेनिश भाषा में प्रकाशित की गई। तो ध्यान दीजिए, अरेबिक अर्थात अरबी भाषा में, चाइनीज अर्थात चीनी भाषा में, इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी में, फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसी में, रशियन अर्थात रूसी भाषा में और स्पेनिश भाषा में जो UDHR है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पब्लिश की गई थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ अवस्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना सरल है उतना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर अवस्थित है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस और डी द हेग। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इसका उत्तर पता है, आप सभी लोगों का आंसर सही होगा। जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कहाँ पर स्थित है। वेरी गुड, शाबाश। कहाँ है प्रिय विद्यार्थियों, जिनेवा में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, पेरिस में नहीं, कहाँ है, दी हेग में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जो लोग जो है डी ऑप्शन चुने हैं, या जिन लोगों का आंसर डी है, जिन लोगों का आंसर हेग है या द हेग है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है प्रिय विद्यार्थियों, वो द हेग में अवस्थित है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 और प्रश्न संख्या 60 भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ही है। यह प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब हुई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए जून 1945 या जून 1945 में, बी जुलाई 1945 में, सी अगस्त 1945 में या डी सितंबर 1945 या सितंबर 1945 में। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है प्रिय विद्यार्थियों वो कब हुई थी, इसका जो उत्तर है आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। तो कब हुई थी, सितंबर 1945 में नहीं हुई, अगस्त 1945 में भी नहीं हुई, जुलाई 1945 में भी नहीं हुई, कब हुई, जून 1945 में हुई थी। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। जून 1945 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना
हुई थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61 या प्रश्न संख्या 61 है प्रिय विद्यार्थियों, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वर्तमान अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समसामयिक से प्रश्न है, और यह प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए अब्दुल कबीर यूसुफ, बी अब्दुल अहमद पठान, सी अब्दुल अहमद नासिर, या डी अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप अपने आंसर को जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? अब्दुल कबीर यूसुफ नहीं है, अब्दुल अहमद पठान भी नहीं है, अब्दुल अहमद नासिर भी नहीं है। कौन है? अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हैं। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ जो है वो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ वॉज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन February 6, 2018, अर्थात 6 फरवरी 2018 को अब्दुल कावी अहमद यूसुफ को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बनाया गया, अपॉइंट किया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से प्रश्न है। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सामान्य सभा द्वारा कितने न्यायाधीश चुने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो सामान्य सभा है उसमें कितने न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाते हैं, यही प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ये 10 न्यायाधीश, बी 15 न्यायाधीश, सी 20 न्यायाधीश, या डी 25 न्यायाधीश। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आपका जो भी आंसर है आप चैट बॉक्स में टाइप करिए, कमेंट्स के द्वारा दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्यारे भाई बहनों सामान्य सभा द्वारा कितने न्यायाधीश चुने जाते हैं, तो 10 नहीं चुने जाते हैं, 25 नहीं, 20 नहीं, कितने चुने जाते हैं? 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। तो इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। 15 न्यायाधीशों का चयन जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सामान्य सभा के द्वारा किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य सभा के द्वारा 15 जस्टिस का या 15 न्यायाधीशों का चयन किया जाता है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 और वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सामान्य सभा द्वारा न्यायाधीश कितने समय या अवधि के लिए चुने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम लोगों ने जो बात किया कि कितने चुने जाते हैं न्यायाधीश, तो 15 चुने जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि जो न्यायाधीश चुने जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उनका जो है ड्यूरेशन क्या होता है, उनकी अवधि क्या होता है, वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं। और इसके जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर, ए 9 साल, बी 10 साल, सी 5 साल, या डी 12 साल। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो न्यायाधीश चुने जाते हैं उनके कितने समय के लिए चुने जाते हैं, कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं, प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न है। और इसका उत्तर क्या है जल्दी से आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? 12 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, क्या है? 9 साल के लिए चुने जाते हैं। इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने 9 ईयर्स आंसर दिया है, जिन लोगों का आंसर ए है या 9 साल है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। 9 वर्ष या 9 साल या 9 ईयर्स जो है इसका सही उत्तर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो न्यायाधीश चुने जाते हैं वो 9 साल के लिए चुने जाते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। न्यायाधीश या 9 साल के लिए चुने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और फिर से चुने जा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जो न्यायाधीश चुने जाते हैं 9 साल के लिए, वो दोबारा फिर से चुने जा सकते हैं, और हर तीसरे साल इन 15 न्यायाधीशों में से 5 चुने जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब बात हो रही कि जो सामान्य सभा है इसके द्वारा 15 न्यायाधीशों का चयन किया जाता है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो प्रत्येक न्यायाधीश हैं वो 9 साल के लिए चुने जाते हैं, इनको दोबारा भी चुना जा सकता है, और प्रत्येक साल या प्रत्येक वर्ष में जो है इन 15 न्यायाधीशों में से 5 को चुना जा सकता है।
चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथ साथ बहुत ही सरल प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 64। प्रश्न संख्या 64 कहता है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य, जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उस मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए अमेरिका, बी चाइना या चीन, सी रूस या डी आयरलैंड। तो प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को उत्तर सही होंगे। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो मौलिक कर्तव्य है प्रिय विद्यार्थियों, किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से नहीं लिया गया, चीन से भी नहीं लिया गया, आयरलैंड से भी नहीं लिया गया। कहाँ से लिया गया? रसिया से या रूस से लिया गया है। तो इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों को उत्तर सही है, या जिन लोगों ने रसिया आंसर दिया, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। प्रिय विद्यार्थियों, जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे देश के संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 65। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिए कि 64 में हम लोगों ने देखा मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज, और 65 में हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 में फंडामेंटल राइट्स की। प्रश्न है कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया, और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन या डी आयरलैंड। तो प्रिय विद्यार्थियों आप जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के उत्तर सही होंगे, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सरल प्रश्न है। तो मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड से नहीं लिया गया, ब्रिटेन से नहीं लिया गया, चीन से नहीं, कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर सही, ए ऑप्शन चुना है प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। ए ऑप्शन, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका इज द राइट ऑप्शन। हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है प्रिय विद्यार्थियों, उस मौलिक अधिकार के प्रावधान को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वहां से अडॉप्ट किया गया है प्रिय विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है, जिन लोगों का उत्तर ए है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस प्रकार से आज हम की क्लास में, इस कक्षा में, इस वीडियो में हम सभी लोगों ने 35 का 36 प्रश्नों को का जो है अध्ययन किया, और वो 36 प्रश्न जो थे वो मानवाधिकार एवं कर्तव्य या ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से प्रश्न थे प्रिय विद्यार्थियों। और ये जो 36 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं जहाँ पर मानवाधिकार से प्रश्न पूछा जाता है या मानवाधिकार एवं कर्तव्य से प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो जीके या जीएस का एग्जाम होता है प्रिय विद्यार्थियों, जो जीके या जीएस का पेपर होता है वहाँ पर भी पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ इस वीडियो पे कमेंट्स भी करिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप उसको हम तक पहुँचाइए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, महत्वपूर्ण सुझाव होंगे प्रिय विद्यार्थियों, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, शुभ चिंतकों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, उनकी भी तैयारी आगे जो है सुचारू रूप से बढ़ सके। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ ही साथ आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से, प्रिय मित्रों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार सभी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार बना है, बेल का आइकन बना है, यदि लाल है, रेड है, तो उसको आप प्रेस करिए,
उसको प्रेस करने से कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे, जितने भी नई क्लासेस आएंगी, उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।